आरती भी घुमाते हैं, पूजा भी करते हैं, धन धर्म भी करते हैं, अपने समझ में करते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी घुमाते हैं, फिर भी आप देखते होंगे कि एक दुख जाता नहीं है तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। लड़का भी ठीक नहीं हुआ तब तक पति को बुखार आ गया, पति अभी बुखार में ही पड़ा है तब तक पता लगा बेटी को क्या हो गया, कुछ भी हो गया। यानी एक बीमारी शरीर में ही अभी एक बीमारी गई नहीं दूसरी प्रकट हो गई। अभी घुटने में दर्द है, घुटने की दर्द की दवा कराया जा रहा है, अपूरा चिकित्सा विज्ञान दवा कराने में लगा है। पूरे जीवन की कमाई का हम समझ रहे हैं 75% 75% हिस्सा चला जाता है चिकित्सा में, दवा में, फिर भी घुटने का दर्द अभी ठीक नहीं हुआ, आंख में जलन शुरू हो गया, आंख का जलन अभी है, घुटने में दर्द ही है, घुटने का दर्द थोड़ा आराम मिला तो तक पेट में इन्फेक्शन हो गया, अभी पेट का इन्फेक्शन ठीक हो गया, आंख का भी ठीक हो गया, लेकिन तब तक कमर में दर्द शुरू हो गया। कभी आप विचार किए हैं ऐसा क्यों हुआ? आप लोग अनुभव कीजिए। और इसी के बीच में सीधे साधे जनता को ये तंत्र मंत्र करने वाले और ढोंग पाखंड रचने वाले सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम तुम्हारे नाम से पूजा कर देंगे, तुम्हारे नाम से मंत्र पढ़ देंगे, तुम्हारे नाम से जाप कर देंगे, तुम्हारे घर में पूजा करा देंगे, तुम्हारे ऊपर शनिश्चर की साढ़े शांति है, तुम्हारे ऊपर राहु है, तुम्हारे ऊपर केतु है, तुम्हारा दशा ही गड़बड़ हो गया है। ये सारी चीजें दिव्य आत्माएं सीधे साधे आत्मा को ठगने का काम है, बस और कुछ नहीं। जो हम करेंगे वही पाएंगे, उसके सिवा एक कुछ मिलने वाला नहीं है। आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, बर्फ को हाथ में उठाएंगे तो ठंडा लगेगा, कांटे पर नंगा पैर रखेंगे तो पैर में चुभेगा। अब हमारा काम है, और जो कर चुके हैं उससे बिना भोगे छुटकारा नहीं। हाँ, एक होता है कि यदि ही मिले सतगुरु सत्या होई परिस्थिति भिन्न, महिमा जिनकी अगम चतुरानन विधि की। आदि सतगुरु मिल गए फिर भी आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी। एक रहेगा कि बड़ा रहेगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो छोटा हो जाएगा, इन भुगतना जरूर पड़ेगा। इन सदगुरु मिल गया तो कुछ राहत मिल सकता है। यही है कि फांसी चढ़ने वाला है सूली पर तो सूल यानी कांटा बनकर रह जाएगा, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ही, ठीक है ना। यही है भयंकर मौत होने वाली है, बिस्तर पर तड़प तड़प करके परसों तक प्राण छटपटानी है तो सदगुरु मिलेगा तो छोटा सा हल्का एक्सीडेंट हुआ जैसे अमरेंद्र जी का हुआ था, जीवन शेष बच जाएगा और कर्म का सजा उसी में पूर्ण हो जाएगा। दिव्य आत्माएं हमें, हम लोगों के सदगुरु एक दृष्टांत सुनाती थी, हमें याद आ गया, इसी पर बता रहा हूं। एक नगर में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, उनका दावा था कि मैं 7 जन्म पीछे का बताऊंगा और 7 जन्म आगे का बताऊंगा। कितना यानी सुन रहे हैं, कितना? 7 जन्म आगे का, 7 जन्म, 7 जन्म आगे का, 7 जन्म पीछे का, 7 जन्म आगे का और 7 जन्म पीछे का बताऊंगा, और 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे। अब तो भाई विशेष करके सभी लोग लाइन लगा दिए, राजनेता भी लाइन लगा दिए किस बार भी मैं चेयरमैन हूं कि नहीं हूं, विधायक भी लाइन लगा दिए कि मनो पत्ता नहीं जाएगा, सीएम भी लाइन लगा दिए देश का प्रधानमंत्री हमारा कट नहीं करेगा, विद्यार्थी भी लाइन लगा दिए कि इस साल मैं पास होगा कि नहीं होगा, व्यापारी भी लाइन लगा दिए कि हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी,
हमारा धंधा वाले धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, बीमार भी लाइन लगा दिए कि हमारा बीमारी कब तक ठीक होगा। इतना उनका शत प्रतिशत वाणी सत्य होती थी कि जो कह देते थे वो सच होता था, एक भी झूठा नहीं हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, दिल से बोलिए सच्चे दरबार की जय। कभी एक बार जय नहीं बोलते, आप सत्संगी है ना, भैंस भेड़ बकरी चराने वाले नहीं ना, सत्संग में रहने वाले हैं, तो जब भी बोलते हैं दो बार बोलते हैं जय हो जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो जय हो। ठीक है, इससे ये जो राजकुमार जी को बधाई देते हैं कि इनके द्वारा कितने देशों में प्रसारण हो रहा है। हमारे पास करीब हम जानते हैं 15-20 देश लिख करके आए हैं कि गुरु जी बहुत धन्यवाद है, ये जो संचालन कर रहे हैं, जो प्रसारण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत गजब। इसे राजकुमार जी के लिए हम स्वागत करेंगे। यह वाणी केवल रुद्रपुर में ही नहीं है, कई देशों में पहुंच रही है और क्लियर कट पहुंच रही है, सबसे खुशी की बात है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सुनने वाले उतना क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं जितना हम सुन रहे हैं। देखिए वह ज्योतिषाचार्य बहुत उच्च कोट के ज्योतिष थे, लाइन लगती थी, बताने वाले बताते थे कि 7 दिन के बाद एक आदमी का नंबर आता था, इतनी लंबी लाइन। ठीक है, वहीं पर उसी नगर के थोड़ी दूरी पर दो मनुष्य ही अभी कहेंगे। अच्छा, हम मनुष्य हैं ना, हम लोग बैठे हैं वैसे नहीं बैठे, पूर्व जन्म के भाग और पूर्व जन्म के पुण्य को लेकर बैठे, सारा कर्म है हमारे पास, दुष्कर्म का भी है टोकरी और अपराध का भी है, दोनों है, दोनों साथ हैं, अदृश्य रूप में हैं। वो जब निर्गुण से सगुण होते हैं तब मालूम पड़ता है, जब विपत्ति का रूप धारण करते हैं तब मालूम पड़ता है। अब दोनों भैंस चराने वाले सीधे साधे इंसान, भैंस जानते हैं आप कहां लंदन से, भैंस नहीं जानते हैं। एक बार दुबई में हम बोले भैंस जानते हो, बोला तू का होता है सर जहां भी सत्संग चल रहा है, बोला व्हाट इज माय फेलो, वो प्योर किताब में देखा, तो आप लोग तो जानते हैं ना, आप लोग नहीं समझाना है। तो अब लाइन लगी थी, लेकिन जब वहां से लोग अपना प्रश्न करके आते थे उत्तर पा करके, तो कोई रोता आता था, कोई हंसता था, नहीं समझे, अरे जिसके भैंस में निकल गया कि तुम्हारा बहुत अच्छा है तो हंसता था, और जिसके भैंस में निकल गया कि नहीं ये विधि हुई है मौत तुम्हारी तो रोते आता था। अरे सदगुरु ने ना कि कहेंगे जाओ देख लेंगे, अच्छा ऐसा रास्ता है उपाय है, घबराओ नहीं, जरूर कुछ साधन मिलेगा, सदगुरु तो है नहीं, वो तो बस कहने वाले हैं जो पढ़कर सुना दिए, जो यहाँ लिखा था पढ़कर सुना दी, लेकिन मिटाने वाले और निर्माण करने वाले नहीं। ओम। फिर लोगों से दोनों बच्चे पूछते थे, और कोई बच्चे नहीं थे, एक की उम्र 20 की थी, एक की उम्र 18 की थी, एक का नाम था शांति देव, एक का नाम था शाश्वत देव, वो सब अपने में रख लिए थे, एक का नाम शांति, एक का नाम शाश्वत, शांति दे जो दूसरे को शांति दे। लेकिन दोनों का काम बड़ा अच्छा था, दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बाथरूम, पहले अपने घर में बना हुआ है, पहले बाहर जाना पड़ता था, आप लोगों के समय में था कि नहीं था, लोटा लेकर के दर्जाया जाता था, देवियां संध्या समय सुबह जाती थी गाँव के बाहर, था कि नहीं पहले जमाने में, अब भी बहुत कम ऐसी जगह है, और तो धन्य है इस देश सरकार के भाई माननीय, कोई कुछ भी कहे
प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि हर गांव में शायद कोई ऐसा गांव होगा जिस गांव में उन्होंने निर्माण न कराया, अपने फंड से कराया। महान विभूति महान आदमी तो अब